हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हमारा विषय चल रहा था केकई का अंता, कवि मैथिली शरण गुप्त, केकई अपनी पीड़ा को, अपने दुख को किस तरह से श्री राम के सामने व्यक्त करती हैं, ये शीर्षक दिया हुआ है। जैसा पहले आपने पढ़ा, माता केकई श्री राम से कैसे विनय करती हैं, निवेदन करती हैं, आप अयोध्या वापस लौट करके चलिएगा। तो उसमें आगे कहा गया कि सबने रानी की ओर अचानक देखा, वेदव्य तुषार वृता यथा विदु लेखा। जब माता केकई कहती हैं आप लौट करके अयोध्या चलिएगा, सब रानी की ओर अचानक देखते हैं और रानी केकई किस तरह से प्रतीत होती है, वो दिखाई देती हैं, उनका जो विधवापन है वहाँ कैसा देखा जाता है। वैधव्य तुषार वृता यदा विदु लेखा, वैधव्य माने विधवापन है, तुषार वृता, तुषार माने बर्फ होता है, पाला होता है, पाले से बर्फ से जैसे ढकी हुई, विधु माने चंद्रमा की, लेखा माने किरण। माता केकई का जो विधवापन है वो जैसे पाले से कोई ढकी हुई चंद्रमा की कोई किरण हो, रेखा हो, ऐसी प्रतीत होती हैं। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वो इस तरह से बैठी हुई हैं, अचल माने अडिग हो, असंख्य तरंगा अगणित अगणित तारों वाली, जैसे आकाश में अगणित तारे हों, इस तरह से वो अडिग बैठी हुई हैं। वह सिंगी अभ्या गौमुखी गंगा, हाँ जनकर भी मैंने भरत हो जाना। वह सिंगनी थी एक शेरनी के समान, आहा माने आप कैसी हैं, गौमुखी गंगा, गाय के मुख के समान, बहने वाली गंगा के समान, अर्थात उनके मुख से गंगा के समान ऐसे पवित्र जो वाणी निकल रही है, वो क्या कहती हैं, हाँ जनकर भी मैंने भरत को जाना। जनकर माने जन्म देकर भी मैं भरत को नहीं पहचान सकी, उनके बारे में, उनकी चरित्र के बारे में मैं नहीं जाना। अब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है, फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। बार बार श्री राम से कहती हैं कि मैंने भरत को नहीं पहचाना है, अब सुन लें सभी, स्वयं अभी यह माना, यह मानती हूँ यह सच है, फिर लौट चलो घर भैया, भैया यह सत्य है, आप अयोध्या वापस चलिएगा, आपको घर लौटना है, यह सच है, फिर लौट चलो तुम घर भैया, मैं सत्य कहती हूँ आपको घर लौटना ही है, मैं अपराधी हूँ, मैं अपने अपराध को स्वीकार करती हूँ। हे पुत्र, तात माने पुत्र, तुम्हारी मैया, तुम्हारी माता केकई, मैं अपने अपराध को स्वीकार करती हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह से शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शपथ है। वो कहती है दुर्बलता माने कमजोरी का प्रतीक है, चिन्ह माने निशान है, पहचान है, विशेष शपथ माने बार बार शपथ लेना, बार बार कसम लेना किसी के लिए, उसकी कमजोरी का प्रतीक होता है, इसकी कमजोरी माना जाता है, मैं विश्वास दिलाती हूँ, परंतु अबला जन के लिए, हम अबलाओं के लिए कौन सा पथ माने मार्ग है, परंतु अबलाओं के लिए, अबला के लिए कोई मार्ग नहीं है, उसकी कमजोरी का प्रतीक है, निशान है, बार बार शपथ लेना है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र। वो बार बार विश्वास दिलाती है, कहती हैं कि इस समय भरत का कोई हाथ नहीं, उन्हें मालूम नहीं था यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ। भरत ने यदि इस रचना के बारे में, इसके बारे में यदि कुछ भी कहा है तो पति समान स्वयं ही पुत्र को खोऊं, जैसे मैंने अपने पति अर्थात राज दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे अपने पुत्र के बारे में कहती है, पुत्र को भी खो दूँ अर्थात वह भी नष्ट हो जाए, यदि इस सब घटना में भरत का यदि कोई हाथ है। ठहरो मत, रोको, मुझे कहूँ जो सुन लो, पाओ यदि उससे सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊँ, राय भरे अंताप में कर ले पाऊँ। वो बार बार अपने पश्चाताप को दोहराती हुई कहती हैं, ठहरो मत, रोको, मुझे कहूँ जो सुन लो, जो मैं कहती हूँ सभी को सुनना है, सब ध्यान पूर्वक सुनिए, पाओ यदि उससे सार उसे सब सुन लो, यदि उससे
वो असलियत मिलती है, अच्छाई मिलती है, श्रेष्ठता मिलती है, उस सबको ग्रहण कर लेना चाहिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊँ, मैंने पहाड़ के समान ऐसा विशाल पाप किया है, और मैं कैसे शांत रह सकती हूँ, चुप रह सकती हूँ। राय भर अनुताप माने पश्चाताप है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा नहीं कर मैं पाऊँ। राय भर अनुताप माने जो पश्चाताप है दुख, उसे कैसे मैं कर पाऊँ। थी सन क्षत्र निशा शशि निशा वष्टप काती होती थी ने हृदय सन नक्षत्र अर्थात तारा शिवत शशि माने चंद्रमा निशा माने रात्रि ओष्टप काती रात्रि का समय आकाश से इस तरह से ओस गिर रही है। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती रो रही थी नीरव माने शांत सभी सभा हृदय थपकाती अपने हृदय को पकड़ करके हृदय में इस प्रकार शांत न धर के धैर्य धारण करके उस सभा रो रही थी। अर्थात सभी की आँखों से आंसू निकल रहे थे, सभी की आँखों से आंसू निकल रहे थे, ऐसा वहाँ दृश्य देखा जाता है। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्कासी अर्थात उल्कापात, उल्कापात अर्थात आकाश से नक्षत्र का गिरना है, तारे का गिरना। रानी इस तरह से के कई दिशा को दीप्त माने आलोकित करती थी, प्रकाशित करती थी। अपने श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत वेशभूषा में ऐसे बैठी हुई थी जैसे आकाश से उल्कापात हो रहा, कोई नक्षत्र गिरा हो, तारा गिरा हो। सब में भय विस्मय खेद भरती सभी में भय, विस्मय माने अचरज है आश्चर्य, खेद माने दुख भरती थी, अर्थात सभी को दुख पहुंचा रही थी, पीड़ा पहुंचा रही थी, ऐसे अचरज में पड़ी हुई थी सभी। इस तरह से भयभीत थी, क्या कर सकती थी मरी मंत्रादासी, मेरा भी मन न रह सका नीचे। वो कह रही हैं क्या कर सकती थी मरी मंत्रादासी, मंत्रा जो दासी है वो क्या कर सकती थी, अर्थात उसने मेरे मन मेरे हृदय को परिवर्तित नहीं किया, ये तो मेरी ही सोच थी, मेरा ही मन न रह सका निज विश्वास, अर्थात मेरे मन में ही विश्वास नहीं रह सका है। जल पंजर गत अवर अभागे वे जड़ित भाव के स्वयं तुझी में जागे। जल पंजर अर्थात शरीर के अंदर जो स्थित है अर्थात ढांचा मात्र है, अरे अधीर अभागे मैं तो भाग्यहीन हूँ, मेरे शरीर के जो अंदर स्थिरता जो तत्व है वे जड़ित भाव से स्वयं तुझी से जागे, वो स्वयं जल रहे थे। इस तरह की जागरूकता, इस तरह की श्रेष्ठता, इस तरह की बात उसमें दिखाई देती है, पर था केवल क्या जड़ित भाव ही मन में, मेरे मन में इस तरह की ईर्ष्या के भाव ही जल रहे थे, अर्थात ईर्ष्या की भावना ही मेरे मन में पैदा हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी। क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में, और मेरे लिए कुछ शेष नहीं था, अर्थात मेरे मन की जो भावना है, मेरे मन के जो विचार है, वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे, ऐसे दिखाई दे रहे थे। कुछ मूल नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा पर आज अनसा हुआ वत्सल, कुछ मूल नहीं वात्सल्य मात्र अर्थात मेरे पुत्र के प्रति जो सच्चा प्रेम है उसका कोई भाव नहीं रह गया है, वो कोई शेष नहीं रह गया है, आज अन्य सा हुआ वत्स वीर, वत्स माने बेटा है, पुत्र है, अर्थात भरत के लिए कहती हैं भरत भी मेरा पुत्र ऐसा हो गया है जैसे कोई अन्न हो दूसरा। थूके मुझ पर त्रिलोक भरे ही थूके, जो कोई भी कह सके कहे कर चुके। थूके अर्थात मुझे इस तरह से प्रताड़ित करें, त्रिलोक माने तीनों लोक, यदि मेरे बारे में कुछ कहें, मुझे मेरा त्यागन कर दें, मुझे अपमानित करें, परेशान करें, यदि अपमानित करते हैं मैं उसे स्वीकार करती हूँ, जो कोई भी कहे क्यों चूके मेरे बारे में जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए, मैं अपना अपराध को बार बार स्वीकार करती हूँ, बार बार कहती हूँ। तो काव्य सौंदर्य प्रस्तुत पंक्तियों में माता केकई की जो मानसिक दशा है, अपने पुत्र के प्रति जो कल्याण की भावना है, उसका सुंदर वर्णन कवि मैथिली शरणगुप्त ने किया है। यहाँ पर केकई के पश्चाताप को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए गुप्त जी ने एक सीमा तक दोष मुक्त करने का सफल प्रयास किया गया। ये भावना, ये विचार, ऐसी बात यहाँ पर कही गई है। शुद्ध साहित्य खड़ी बोली, अलंकार उपमा अनुप्रास की छटा हमें प्रस्तुत पदों में मिलती है।
रस शांत है, गुण प्रसाद। आज की इस हिंदी की कक्षा में इतना, धन्यवाद।